आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। अमित शाह के घर पर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। यशपाल आर्य के साथ उनके बेटे भी आज बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये देखिए, लोगों के नेताओं की अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस से यशपाल आर्य ने अमित शाह के घर पर बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो अब क्या ये भी दल बदलू होंगे प्रकाश सिंह बादल के, अगर हम बात करें उन्होंने जिस तरह का बयान दिया उसके बाद? क्योंकि यहाँ पर जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी छोड़कर गए हैं, कांग्रेस से भी काफी भारी संख्या में लोग छोड़कर आए हैं बीजेपी के अंदर, कांग्रेस को छोड़कर। तो फिर इस तरह का सिलसिला जब इलेक्शंस होते हैं उससे पहले बहुत जोर शोर से शुरू हो जाता है, और उसी कड़ी में यहाँ पर हमें उत्तराखंड कांग्रेस से यशपाल आर्य छोड़ते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस को बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, और अमित शाह के घर पर जाकर उन्होंने औपचारिक रूप से उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उनका स्वागत किया अमित शाह ने, साथ ही भगत सिंह कोश्यारी को भी आप देख रहे हैं। तो एक तरफ खबर थी पंजाब की, जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस में अपना शामिल होने की खबर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सब कुछ बताया है कि क्या क्या आगे वो करने वाले हैं और किस तरह से बादल सरकार पर हमला करते उन्होंने कहा कि एक एक बात मैं बताऊंगा उन्होंने क्या घपले किए। और दूसरी तरफ एक तस्वीर आपके सामने, उत्तराखंड कांग्रेस के यशपाल आर्य जिन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, और अमित शाह के घर पर ये औपचारिकता निभाई गई जिसमें फोटो अपॉर्चुनिटीज के दौर पे आप देख रहे हैं कि उनका स्वागत किया गया गुलदस्ता थमाते हुए। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक